हैं कांग्रेस नेता, उनसे बात कर लेते हैं। अजीत जी धस्माना जी, जी स्वागत है एबीपी गंगा पर आपका। जी धन्यवाद इतने लगा। ये देख रहे हैं अब घटनाक्रम, नाराजगी खत्म होके अब पार्टी ने फैसला कर लिया है कि 6 साल तक नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? भगदड़ मची है पूरे यूपी में, पूरे उत्तराखंड में। अब भगदड़ को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो डैमेज कंट्रोल बीजेपी को करना ही पड़ेगा ना। अखिलेश ने देखिए कितना बोल्ड स्टेप लिया, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, हाउसफुल कह दिया भैया माफ कर दो। इतनी तेजी से दौड़ दौड़ के आ रहे थे वहाँ उत्तर प्रदेश में, और अब उत्तराखंड में भी भगदड़ मचने वाली है, तो उत्तराखंड में अब डैमेज कंट्रोल कैसे करें, तो उसके लिए उन्होंने अब ये कार्रवाई करी है। लेकिन आप धस्माना जी, तो आप तो जानते ही होंगे कि 2 सीट पे पेंच फंसी हुई है, पुत्रवधू का मोह था। नहीं, वो पुत्रवधू का हो पुत्र का हो, राजनीति में पुत्रवधू सब चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से आप लगाइए ना, 57 विधायकों की पार्टी, और इतना बुरा हाल हो जाएगा कि 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ेंगे, बीजेपी लोग छोड़ने कर दूसरी पार्टी में जाने के लिए लाइन में खड़े होंगे, कतार में खड़े होंगे, और पार्टी में जाने के लिए लाइन में खड़े होंगे। यानी आपको पता है कि कतार में है, कहाँ है हरक सिंह रावत कांग्रेस की अगर ज्वाइन करने वाले कतार में इस वक्त? नहीं नहीं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम तो ये कह रहे हैं हमारे यहाँ बहुत सारे कतार में खड़े हैं। अच्छा, कौन कौन है धस्माना जी? देखते रहिए किस तरह 21 तारीख को नोटिफिकेशन है, 21 तारीख को नोटिफिकेशन है, उससे पहले देखिए कितना अभी अभी हम लोग भी हम, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो भाई 70 उत्तर प्रदेश में तो देखिए गुंजाइश है, वहाँ सीटों के इतना लंबा चौड़ा आंकड़ा है, हमारे यहाँ तो ले दे करके 70 सीटें और विधान परिषद की नहीं है। उसी 70 सीटों में अभी भी कितनी अब इधर से उधर चलेंगी, और अभी आप कह रहे हैं कि अभी और भी नाम आएंगे, क्या चाहते हैं? बहुत सारे नाम है, इतना बड़ा नाम है, लेकिन जी बहुत सारे नाम है, लेकिन अब हमारे भी तो बेचारे कार्यकर्ता 5 साल तक लड़ते हैं, सड़क पर संघर्ष करते हैं, बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, अब हम सारी पक्की पकाई सारी खिचड़ी उनको दे देंगे। अच्छा, तो डोई वाला सीट पे आपके जो 2 कार्यकर्ता हैं जो हार का भी सामना करते हैं लेकिन फिर भी लड़ते हैं, फिर भी अपनी जमीन मजबूत करते हैं, आप उस सीट के लिए क्या देखते हैं, किसे ज्यादा अच्छा उम्मीदवार देखना चाहेंगे आप, आपकी क्या राय है? देखिए इस समय तो कांग्रेस का पहला फॉर्मूला है विनेबिलिटी, विनेबिलिटी हमारा पहला फॉर्मूला है, तो दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पे किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो पार्टी के लिए प्रतिबद्ध हो, जिसने पार्टी के लिए संघर्ष किया हो, जिसका नीतियों पर विश्वास हो, उसको प्राथमिकता तो निश्चित तौर पे है, लेकिन अब सियासत ऐसी हो गई है कि पैराशूट कैंडिडेट को भी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, क्यों? नहीं, मैं जो सच्चाई है उसको बयां कर रहा हूँ, वो अच्छा हो बुरा हो, लेकिन जो राजनीति की सच्चाई है वो सच्चाई ये है कि धस्माना जी देखिए अभी आप बैठे एबीपी गंगा पर बात कर रहे हैं मेरे से, और अगर अनुकृति की सीट कांग्रेस की ओर से वो लड़ती हैं तो ये पैराशूट कैंडिडेट ही हुई ना आपके हिसाब से? देखिए मैं किसी के नाम का अंदाजा इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि ये विशेषाधिकार पार्टी के हाईकमान का है जी, हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का है, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी का है, आई एम नोबडी टू इंटरफेयर इन दिस, उसका एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में जो पार्टी हाईकमान तय करेगा वो सबको स्वीकार्य होगा, लेकिन मैं तो जो आपने मुझसे सवाल किया निश्चित तौर पे आपको बताऊं कि इस समय हालात इतनी पतली बीजेपी की हो चुकी है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, आप देखिए ना वहाँ बाबा जी को गोरखपुर चल जाना पड़ा, मथुरा से लड़ रहे थे, काशी से लड़ रहे थे, आप उत्तराखंड में बैठे बैठे उत्तर प्रदेश को भी साध रहे हैं। अरे हमारा उत्तर प्रदेश ही के तो हम किसके पैदाइश है, यूपी हमारा पितृ राज्य है। चलिए ठीक है, अभी जी अभी ये भगदड़ मची हुई है और आप देहरादून से लगाए लखनऊ तक नजर बनाए हुए हैं। धस्माना जी शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से सियासी उठापटक की ये खबर आ रही है उत्तराखंड से, इसी पर तमाम रिएक्शन हम ले रहे हैं।